अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम तुषार रजा है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। NX9 शंका बोस कौमी असेंबली का हलका, जहां पर गैमा गैमी जो है वो अरूज पर है और यहां पर बड़ा सख्त मुकाबला है। यहां पे अगर हम उम्मीदवारों की बात करें तो यहां पर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है शेख मोहम्मद याकूब और यहाँ पर आजाद उम्मीदवार है शेख वकास अकरम। और यहाँ पर जो है वो बात करें राय हक पार्टी के तो मौलाना अहमद लुधानवी है, तीन उम्मीदवार है जिनके दरमियान है कांटे का मुकाबला और बाकी उम्मीदवार भी जो है वो मैदान में है। और यहाँ पर जमात इस्लामी के हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं हैदर बुखारी और यहाँ पर सैयदा सुगरा इमाम भी आजाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तरीके पैक के नासिर अली। और यहाँ पर अगर हम बात करें मरकजी मुस्लिम लीग के तो यहाँ पर मोहम्मद मनशा, ये है उम्मीदवार सियासी जमातों के जिनके दरमियान है कांटे का मुकाबला और तीन उम्मीदवार जो है इनके दरमियान तो सख्त मुकाबला है। शेख वकास अकरम जो कि तरीके साहब के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार जो है आजाद हैसियत से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर उनके मद्दे मुकाबले हैं शेख मोहम्मद याकूब जो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। और यहाँ पर मौलाना अहमद लुधानवी जो के अहले सुन्नत वल जमात के सरबरा है और राय हक पार्टी से वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अवाम से पूछते हैं अवाम क्या कहती है, अवाम किसको वोट देगी, क्योंकि इलेक्शन के इंतखाबी मुहिम में वक्त बहुत कम रह गया है और आज तमाम उम्मीदवारों की कोशिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपना मंशूर पहुंचाए, डोर टू डोर कंपेन करें और कॉर्नर्स मीटिंग करें, इंतखाबी जलसे करें, क्योंकि रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो जाएगा। 2018 से इसी हल्के से जो है वो गुलाम बीबी परवाना जो है मुंतखब हुई थी, MNA मुंतखब हुई थी और इस बार अवाम जंग की किसको जो है वो कौमी असेंबली पहुंचाएगी और कौन जीतेगा, जीत का सेहरा किसके सर आएगा और कौन बनेगा इस हलके का सुल्तान, अवाम से पूछते हैं और वोट किसको देंगे। और क्योंकि वोट हक राय दही जो है इस्तेमाल करने में अब चंद ही घंटे बाकी हैं, इंतखाबी मुहिम जो है वो आज रात 12 बजे खत्म होने वाली है। अवाम क्या कहती है, सामने अंकल जी कैसे से ठीक है आपकी। अच्छा मुझे ये बताएं इंतखाबी मुहिम जंग में अपने रूज पर जा रही है, वोट किसको देंगे? डेफिनेट PTI को। ठीक है, कह रहे हैं तरीके साहब को वोट देंगे। आगे पूछते हैं अवाम क्या कहती है, अवाम किसको मुंतखब करने जा रही है, पूछते हैं अवाम से अवाम क्या कहती है, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ। वो कह रहे हैं जी मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उन्हें वोट देंगे। आपसे पूछ सामने भाई क्या हाल है, वोट किसको देंगे? सोचेंगे, अभी सोचेंगे सोचेंगे, वो कह रहे हैं अभी सोचेंगे कि किसको वोट देंगे। मजीद एक भाई हमारे साथ मौजूद है, कैसे सेहत कैसी है? ठीक है, मुझे बताया वोट किसको देने जा रहे हैं? शेर को। ठीक है, वो कह रहे थे मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, मोर शेर को लगाएंगे। ठीक है, मजीद आगे चलते हैं और आगे पूछते हैं, अच्छा मुझे बताया मुस्लिम लीग नून को क्यों वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून वालों ने बहुत ज्यादा काम किया है मुल्क में, इनके दौर में हमने अपना 65 रुपए लीटर तेल डलवाया हुआ है और अपना वो क्या कहते हैं उसको घी 130 रुपए किलो खाया हुआ है, 55 रुपए किलो चीनी खाई हुई है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आवाम से पूछते हैं आवाम क्या कहती है, क्या हाल है, ऐसे वोट किसको देंगे? सेटर टाउन का यह इलाका जहां पर गहमा गहमी है अरूज पर, आवाम क्या कहती है, वोट किसको देंगे जी? मौलाना साहब, मौलाना अहमद लुधानवी साहब को देंगे। कह रहे जी राय हक पार्टी के मौलाना अहमद लुधानवी जो है सुन्नत वल जमात के उनको वोट देंगे, स्त्री पर मोहर लगाएंगे। आगे चलते हैं, अवाम क्या कहती है, अवाम से पूछते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर पार्टी के यहाँ पे उम्मीदवारों के जो बैनर अवेजा है बड़ी गहमा गहमी यहाँ पर अरूज पर है। और यहाँ पर पूछते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? ठीक है सेहत ठीक है आपकी, वोट किसको देंगे? मौलाना साहब को। ठीक है, वो कह रहे हैं जी मौलाना अहमद लुधानवी जो है वोट देंगे। मजीद पूछते हैं भाई सलाम अलैकुम, आप किसको वोट देंगे? मौलाना साहब को। ठीक है, वो कह रहे हैं मौलाना साहब को वोट देंगे। आगे चलते हैं, अवाम क्या कहती है, अवाम अपना हक के राय दही इस्तेमाल करने जा रही है, किसको ये वोट अमानत है, किसको ये अमानत देगी, अवाम क्या कहती है? इस हल्के की अवाम क्या सोच रही है, पूछते हैं क्या सोच रहे हैं जी, वोट किसको देंगे? सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक भाई कोई सोचा ही नहीं क्या बनेगा। हाँ, अभी अवाम इस हल्के की कह रही है सोचा नहीं है। मजीद पूछते सलाम वालेकुम अंकल जी, क्या हाल है, कैसे हैं, वोट किसको देंगे? अरे कोई पता नहीं जी, अभी नहीं सोचा, वक्त बहुत कम रह गया। नहीं नहीं, एक दिन पड़ा पूरा। अच्छा सोचेंगे, वो कह रहे जी अभी सोचेंगे,
आवाम इस हल्के की थोड़ी ना उम्मीद भी है, महरूमियों का शिकार है, मजीद पूछते हैं आवाम से। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं यहां पे बशीर चौक पे, और यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे बड़े बड़े जो जंग के शहर के इंतखाबी जलसे इसी जगह पर होते रहे, और आवाम यहाँ की क्या कहती है, सियासत का ये घर बना हुआ है। आवाम क्या कहती है, हल्के की आवाम के क्या मसाइल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, वोट किसको देंगे? चले आगे पूछ दें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गलजी, कैसे हैं, वोट किसको देंगे? नवाज शरीफ को। ठीक है, मुस्लिम लीग उनको वोट देंगे। ठीक है, अच्छा अब मजीद आवाम क्या कहती है, आवाम किसको वोट देने जा रही है यहाँ पर, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम 18 साल की उम्र से जायद जो या 18 साल की उम्र के नौजवान जो है जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उनसे राय लें। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे काम ठीक चल रहा है, वोट किसको देंगे? वोट किसी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे। तो कह रहे मैं वोट किसी को नहीं दूंगा, मैं ना उम्मीद हो चुका हूँ। आगे पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे हल्के के मसाइल भी बताए आपको, इस हल्के के मसाइल सिवरेज सबसे बड़ा मसला था, क्योंकि अब आके जो है वो कुछ बेहतर हुआ है, सिवरेज का नाकस यहाँ पर निजाम रहा, और यहाँ पर निगरान हुकूमत ने वज़ीर-ए-आला पंजाब ने यहाँ पर तरक्याती काम करवाए, जंग की आवाम जो है वो काफी मायूस रही। तो मजीद पूछते हैं लोगों से, लोग क्या कहते हैं, वोट किसको देने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई, वोट किसको देंगे? वोट कैदी नंबर 84। ठीक है, कह रहे हैं जी इमरान खान को वोट देंगे। मजीद पूछते हैं आवाम क्या कहती है और आवाम की क्या राय। तो यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं, अब आगे चल रहे हैं हम लोग बशीर चौक, वहां पे पूछते हैं कि आवाम क्या कहती है, बहुत सारे जलसे इंतखाबी वहां पर ही मुनक्कद हुए। जी तो नाज़रीन, मैंने आपको दिखाया कि आवाम क्या कहती है, आवाम इस हल्के N109 जंग के इस हल्के में किसे मुंतखब करने जा रही है, किसे वोट देगी। तो यहाँ पे गैमा गैमी जो है वो काफी अरूज पर है, यहाँ पे जलसे मुनक्कद किए जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंग मुनक्कद किए जा रहे हैं, वक्त बहुत कम रह चुका है। आवाम क्या कहती है, किसी ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे, किसी ने कहा कि यहाँ पर जमात इस्लामी को वोट देंगे, तो किसी ने यहाँ पर कहा कि वो मौलाना अहमद लुधियानवी जो है उन्हें वोट देंगे, तो मिले जुले जो है वो यहाँ पर लोगों का, तो किसी ने कहा यहाँ पर आजाद हैसियत से लड़ने वाले इलेक्शन तरीके साहब के हिमायत याफ्ता शेख वकास को देंगे। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, और आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, ये वीडियो देखी, इंशाल्लाह इलेक्शन की गैर जानबदार मुस्बत और सबसे तेज कवरेज जो है वो इंशाल्लाह हम अपनी जारी रखेंगे। इसी चैनल पे हम आपको बराह रास्त सारी कवरेज देंगे, इलेक्शन डे तक जारी रहेगी कवरेज। मुझे फिल वक्त इजाजत है, आखिर में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट इलेक्शन की न्यूज आपको मौसूल होती रहे। मुझे इजाजत है, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।